गेहूं बंटवारे को लेकर भाई भाई में चले लाठी डंडे। बड़े भाई ने छोटे भाई का काटा गुप्तांग। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में भाई भाई के हुए विवाद में जमकर चले लाठी डंडे। गुस्सा शांत न होने पर बड़े भाई ने अपने सगे छोटे भाई का चाकू से गुप्तांग ही काट डाला, जिसके बाद घायल भाई को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। थाना कासिमपुर क्षेत्र के अतरौली गांव में गेहूं बंटवारे को लेकर भाई भाई में इस कदर विवाद हो गया कि दोनों भाई एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हो गए। दोनों भाइयों में जमकर लाठी डंडे चलने लगे। गुस्सा शांत नहीं हुआ तो बड़े भाई ने चाकू उठाकर छोटे भाई पर हमला कर दिया, जिससे छोटे भाई मनसाराम का प्राइवेट पार्ट कट गया। घर वालों ने आनंद फानंद में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया, जहां से उसे हरदोई के जिला अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। वहां पर गंभीर हालत में उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल बड़े भाई प्रकाश के खिलाफ थाने में तहरीर दे दी गई है। कासिमपुर थाना क्षेत्र में ग्राम पतरौली है, वहां पर भाई भाई का आपस में झगड़ा हुआ था और गेहूँ के बंटवारे को लेकर के विवाद हुआ था, मारपीट हुई थी, जिसे एक भाई के प्राइवेट पार्ट की चोटें आई थी और डॉक्टर ने जो मेडिकल में लिखा है हार्ट एम्बुलेंट ऑब्जेक्ट्स, इसमें चोटें आने बताया, उसको हायर मेडिकल सेंटर के लिए रिफर किया गया है। प्रकरण में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई कराई जा रही है।